देखो भाई, चित्रकार चित्र ही गंदा बनाए तो कसूर किसका है, मूर्तिकार भद्दी और गंदी प्रतिमा बनाए तो दोष किसका है, बनाने वाले का ही दोष है ना। पेन अपने आप कोई अक्षर लिखती नहीं है, लिखने वाला उससे अच्छे या गंदे अक्षर गंदी बात लिखता है। लिखने वाला ठीक होगा तो ठीक बात लिखेगा, लिखने वाला गलत होगा तो गलत बात लिखेगा। तो लिखने वाला ही ठीक हो जाए ना, कर्ता ठीक हो जाए तो कृत्य ठीक होंगे। कर्ता ही ठीक नहीं करने वाला तो कृत्य ठीक कैसे होंगे। तो गुरु की दीक्षा में ये शक्ति है कि कर्ता ही ठीक हो जाए। कर्ता सात्विक उच्चते, मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्धया सिद्धयो निर्विकार। कर्ता सात्विक उच्चते, ये घर में रहने की कला है। कभी भी मन के प्रतिकूल कुछ भी हो जाए ना, थोड़ा कोई बात नहीं, होता रहता है, हरिओम तत्सत और सब गप सप, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। कभी मन चाही हुई, कभी अनचाही हुई, कोई बात नहीं। जरा से सुख को पचा न सके, जरा से दुख को पचा न सके, बात बात में भड़क जाए, नहीं। कभी लोभ सता रहा है, कभी काम सता रहा है, कभी क्रोध सता रहा है। एक राजा दोपहर को घूमने निकला था, सोचा घूमते घूमते चले जाएंगे, अपने को जहां उनको जाना था कहीं आगे, तो दोपहर को ही निकल चलो, फिर रात को देर ना हो जाए पहुंचने में। तो निकल पड़ा, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वो मंदिर किसी की प्राइवेट जगह पर खुद की मालकियत का था, तो पुजारी को समाचार भिजवाया कि हम दर्शन करना चाहते हैं। तो बोले अभी भगवान भोलानाथ का मंदिर है ये, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, दोपहर का समय है। मंत्री को राजा ने कहा कि पुजारी को कहो कि हम मनोती के 50,000 रुपये चढ़ाना चाहते हैं मंदिर में। कोई मनोती मानी थी वो पूरी हो गई, 50,000 चढ़ाना है। अगर पुजारी मना करते तो हम दूसरे मंदिर में जाकर चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो मंत्री ने पुजारी को कहा, पुजारी ने कहा ठहरो मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में पुजारी आए, बोले राजा साहब को बोलो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आकर अपना काम कर जाए। राजा आए, बोले क्यों, आप तो मना करते थे, भगवान आराम कर रहे हैं, तो भगवान को परेशान किया आपने क्या। बोले नहीं नहीं, मैंने शिव जी को विक्षेप नहीं किया, ये तो माँ पार्वती जी से मैंने पूछा कि आपकी सहेली लक्ष्मी जी आना चाहती, आने दूँ क्या। तो उन्होंने कहा आने दो आने दो, दरवाज़ा खोलो, लक्ष्मी को रोकना नहीं, मेरी सहेली है वो। कभी लोभ के इशारे पर आदमी नाचे, कभी क्रोध के इशारे पर नाचे। मोर अच्छा मोर, उसके आगे आप इंदौर की नमकीन या लस्सी रखो कि ले नाच के दिखा, मोर नहीं नाचेगा, पर लोग नाचते हैं। कभी किसी के इशारे पर, कभी किसी के इशारे पर। मोर को आप देखो, बादलों को देखकर ही नाचेगा। भागवत में कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब काली नाग के सिर पर नृत्य कर रहे थे तो देवता आकाश में संगीत बजा रहे थे। पर संगीत कैसे बजा रहे थे, जिस ताल में, जिस ढंग से भगवान कृष्ण नाच रहे थे उसी ताल में देवता संगीत बजा रहे थे। नहीं तो होता तो ये है, संगीतकार जैसे संगीत बजाए ऐसे नर्तक नाचे, ऐसी एक्शन करें, पर भगवान कृष्ण जैसे नृत्य कर रहे थे देवता ऐसे संगीत बजा रहे थे। ये भागवत की कथा संकेत करती है कि हमारा जीवन ईश्वर के इशारों पर होना चाहिए, हमारे इशारों पर, हम जैसा चाहें ऐसा नहीं। नहीं, जड़ों के आधार पर वृक्ष की डालियां और शाखाएं चलेगी तो ठीक रहेगा, वृक्ष की शाखाएं जड़ों को अपने अनुसार चलाना चाहे तो कैसे होगा। तो ऐसा जीवन वो गुरु की दीक्षा के द्वारा हो सकता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, औरंगाबाद में सत्संग था बापूजी का, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ सत्संग में आई थी, बाद में मुझे मिली। उसने कहा कि मैं बचपन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करती थी, शादी हो गई, उसके बाद हमारे जीवन में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, बहुत दुखी रहते थे हम।
तो एक रात को स्वप्ने में साईं बाबा ने दर्शन दिए और हमें बापूजी के सत्संग में जाने की प्रेरणा दी। हम आए और पता चला कि बापूजी दीक्षा देने वाले हैं। मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो कुछ दिनों के बाद दोबारा साईं बाबा सपने में दर्शन देने आए और कहा कि बेटी तुम ठीक जगह पर पहुंची हो, बापू से हरिनाम की दीक्षा ली है ना, वो हरिनाम जपते रहना, देखना तुम्हारा दुख दूर होने वाला है बस। और बोले सचमुच थोड़े दिनों बाद सारी समस्याएं दूर हो गई और अभी हम लोग बहुत आनंद में हैं, मेरे पति भी, मैं भी, मेरे बच्चे भी, बहुत आनंद है। बोले हमें शिरडी के साईं बाबा ने बापू जी तक पहुँचाया। अब आप बताओ क्या निंदा करने वाले और अफवाह करने वाले जो हैं वो साईं बाबा से ज़्यादा अक्कल वाले हैं? आप खुद निर्णय कीजिए, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। कोटा राजस्थान के एक भाई हैं, उनकी मेडिकल की दुकान है और पूनम वृद्धारी, हर पूनम को बापूजी कहीं भी हो वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले मुझे माता वैष्णो देवी ने प्रेरणा दी बापूजी के पास जाने की स्वप्ने में। हर साल जाते थे वैष्णो देवी कोटा से, नंगे पाँव जाते थे और उन्हीं माता वैष्णो देवी ने प्रेरणा दी और बापूजी से दीक्षा ली। दिल्ली में एक और परिवार है, उन्होंने बताया मुझे माता वैष्णो देवी ने प्रेरणा दी। बरेली में एक पति पत्नी है, उनका बड़ा संपन्न परिवार है, ट्रस्ट बनाया हुआ है, उनकी अपनी बहुत बड़ी स्कूल है। उन्होंने बताया हमें शिरडी के साईं बाबा ने स्वप्ने में प्रेरणा दी और हम दीक्षा लेकर के आए तो बाबा बहुत खुश दिखाई दिए कि तुम सही जगह पर पहुंच गए, अच्छा हुआ। देखो मैं आपको बताऊं, गुरु तो कृपा करते हैं पर शिष्य ही ऐसा हो ना, जैसे महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो उनके पास एक नाम मात्र का शिष्य रहता था गोशालक। एक दिन महावीर स्वामी आगे आगे, वो पीछे पीछे जा रहे थे तो एक जगह एक पौधा, गोशालक ने कहा कि स्वामी ये पौधा ऐसे ही लगा रहेगा, हरा भरा रहेगा कि सूख जाएगा, बोलिए। तो महावीर स्वामी ने पौधे को देखा और कहा कि ये और हरा भरा होगा, फलेगा फूलेगा और इसमें और फूल खिलेंगे, देखना। तो गोशालक ने क्या किया, अपने स्वामी अपने गुरु के सामने ही उस पौधे को उखाड़ दिया और फेंक दिया। बोले अब बोलो, आप तो कहते थे पौधा हरा भरा रहेगा, फलेगा फूलेगा, इसमें और फूल खिलेंगे, अब भी ये फलेगा फूलेगा, बोलो। महावीर स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर फलेगा फूलेगा, तू देख लेना, चल। यात्रा पर गए, लौट कर आए तो क्या हुआ था, पीछे के बारिश हुई थी और बारिश के कारण एक उधर कीचड़ हो जाता है ना बारिश में, तो कच्ची मिट्टी हो ऐसे ही पक्का फर्श ना, तो कीचड़ हो गया था थोड़ा। और गौ माता चारा चरते चरते उस तरफ आई थी, उसी पौधे की जड़ वाले हिस्से के ऊपर गौ माता का पैर पड़ा और वो पौधे की जड़ें अंदर जमीन में चली गई और पौधा फिर खड़ा हुआ और हरा भरा होकर लहराने लगा। महावीर स्वामी ने कहा देख, मैंने कहा था ना ये फलेगा फूलेगा, इसमें और भी फूल खिलेंगे, देख ले प्रत्यक्ष, तूने तो उखाड़ के फेंक दिया था पर देखा ना, कर्म तो तूने किया। मैंने कहा कि ये फलेगा फूलेगा पर तूने बाहर से कर्म तो किया, पर गुरु की शक्ति और गुरु के वचन का प्रभाव देखा कि नहीं देखा तूने? पर वो मानता नहीं था, वो नियतिवाद में मानने लग गया था। फिर एक दिन महावीर स्वामी को उसने पूछा कि मैं भिक्षा लेने जा रहा हूं, आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा? बोले बासी चावल और खट्टा दही और एक खोटा रुपया तुझे भिक्षा में मिलेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं देखना भिक्षा में आज कैसे बढ़िया माल लाता हूं। तो सेठों की बस्ती में गया भिक्षा लेने को कि यहां तो बढ़िया माल मिलेगा। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने भी जल्दी खा पी के बर्तन साफ कर दिए थे, कुछ मिला नहीं, तो गरीबों की बस्ती में झोपड़ियों की तरफ जाना पड़ा भिक्षा लेने और वहां से खट्टे दही के साथ बासी चावल मिले रात के रखे हुए और खोटा सिक्का मिला। पर ऐसी बातों को देखकर भी उसकी महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा बढ़ी नहीं, वो नियतिवाद का वो बन गया शिष्य, गुरु का शिष्य नहीं बन पाया। मनोवैज्ञानिक मास्लो उसने कहा कि फ्रायड और डार्विन
इन दोनों ने और इनके जैसे और कुछ लोगों ने समाज में गलत धारणाएं पैदा करने की एक गंदी कोशिश की है। मैं उस विषय पर ज्यादा विस्तार न करूं, पर ऐसे कई होते हैं जो समाज में गलत धारणाएं फैलाते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं, परंतु जिनकी आस्था होती है अपने इष्ट में, अपने गुरु में, तो उस आस्था की शक्ति बड़ी गजब की होती है, बड़ी अद्भुत होती है, और उसके द्वारा भक्तों को बहुत बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिलता है। जीवत्व मिटता है, शिवत्व प्रकट होता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है, अवृत्ति है व्यक्ति तो व्रति व्रतधारी बन जाता है, प्रमादी अप्रमादी बन जाता है, रागी वीतरागी बन जाता है और अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थवाद की ये 6 घोषणाएं हैं। और गुरु अगर चाहें तो जैसे गोशालक, उसने कर्म तो किए, पुरुषार्थ किया, पर फल क्या पाया उसने? देखो, नियति पर नजर रखना और पुरुषार्थ करना यह मनुष्य के हाथ में है, पर गुरु चाहे ना तो नियति को भी बदल सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म है, गुरु मानव के रूप में दिखते हैं पर साधारण मानव नहीं है। सूर्यनारायण आकाश में दिखते हैं इतने से, पर इतने नहीं है। लगेगा कि बस इंदौर में ही आकाश में सूर्य है, पर उसी समय कोई भोपाल जाए तो 2-3 घंटे में, 4 घंटे में यहाँ भोपाल फोन करके पूछे कि वहाँ सूर्य नहीं है, तो बोले यहाँ भी है, तो बोले यहाँ से तो इतने ही दिखते हैं, तो यहाँ भी इतने दिखते हैं। सूर्य इतने दिखते हैं पर सूर्य इतने छोटे हैं नहीं। पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े हैं सूर्य, विज्ञानी कहते हैं, पर दूरी है हमारे में और उनमें, इसलिए सूर्य छोटे दिखते हैं। उसी प्रकार सदगुरु से दूरी बहुत होती है, श्रद्धा भक्ति के अभाव में दूरी बढ़ जाती है, इसलिए गुरु साधारण मानव लगते हैं, बाकी वो साधारण मानव है नहीं। अपनी दृष्टि को शुद्ध करना चाहिए, और दृष्टि शुद्ध होगी सत्कर्म से, सेवा से, नाम जप से। अपनी दृष्टि ऐसी होगी कि अपने सदगुरु को मानव पहचान कर उनसे पूरा लाभ उठा पाएगा और अपनी उन्नति कर पाएगा।